गैमेट्स, बरोबर ना? इसको क्या बोलते हैं और में, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ, संगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, व्हाई इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, व्हाई द सेग्रीगेशन कॉल्ड लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, बिकॉज, नहीं ब्लेंडिंग का सवाल नहीं है, बिकॉज एवरी गैमेट रिसीव सिंगल फैक्टर ऑफ ए कैरेक्टर, दैट गैमेट इज प्योर फॉर दैट फैक्टर, जिसका जिस कैरेक्टर का वो फैक्टर है उस कैरेक्टर के लिए और फैक्टर के लिए प्योर है, क्योंकि गैमेट में एक ही फैक्टर आता ना, जोड़ी फूटी, फूटी मतलब सेग्रीगेट हुई, फूटी मतलब सेग्रीगेट हुई, अलग हुई जोड़ी मतलब सेग्रीगेशन हुआ, एक गैमेट में कितने फैक्टर जोड़ी के गए, एक, इसलिए वो गैमेट उस फैक्टर के लिए प्योर है कि नहीं है? सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, इसलिए इसको लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स बोलते हैं, इज द लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स बिकॉज एवरी गैमेट रिसीव अ सिंगल फैक्टर फ्रॉम अ पेयर, भले ही हेट्रोजाइगस पेयर है, भले डिसिमिलर पेयर है, भले ये लक्षण इस हाइब्रिड का हाइट, ये लक्षण प्योर नहीं है, हाइट इम्प्योर कैरेक्टर है, हाइट के लिए हाइब्रिड है, दिस इज एफ वन हाइब्रिड फॉर हाइट, लेकिन इसका ये गैमेट और ये गैमेट हाइब्रिड नहीं है, गैमेट कभी भी हाइब्रिड नहीं हो सकता, क्योंकि जोड़ी फूट करके बनता है, जोड़ी का एक ही फैक्टर गैमेट में जाता है, जो गैमेट, जो फैक्टर का व्हाट यू से गैमेट में जाता, उसके लिए वो गैमेट प्योर रहता है, उस कैरेक्टर के लिए वो प्योर, उस कैरेक्टर के फैक्टर के लिए प्योर, दिस द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, व्हाट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता कि डिसिमिलर फैक्टर्स या अलील्स डू नॉट ब्लेंड, बट व्हेन दे सेपरेट, ओके, दे डू नॉट कीप एनी काइंड ऑफ इफेक्ट ऑफ देयर प्रीवियस पार्टनर, दे डू नॉट कीप एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रीवियस फैक्टर, दे आर इन्फ्लुएंस फ्री, दे आर इफेक्टलेस, देर इज नो इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनर व्हेन द टू पार्टनर सेपरेट, दे सेपरेट, देखो ये आए एक जगह पे, ये हुई सेपरेट, शादी में दो बच्चे एक जगह पे आए, दोनों शादी के बाद अलग हो गए, क्या वो अपने घर में अपने पार्टनर का लक्षण लेके जा रहे? नहीं, बरोबर ना? दो लेडीज एक जगह पे आई, बच्चों की जैसे लेडीज भी साथ में आती है, एक बहुत ही बातूनी है और दूसरी जो है वो शांत है, तो जब वो बातूनी लेडी बड़बड़ कर रही है तो शांत वाली सिर्फ प्रेक्षक बन के सुन रही है, श्रोता, तूज बोल, बोलस ना मैं, तो भैया क्या वो अपने अपने घर गए तो एक दूसरे के लक्षण साथ में लग गए? नहीं, दे डू नॉट टेक द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अदर, दे लिव द प्रॉपर्टी देयर इटसेल्फ, ठीक वैसे ये अलग लक्षणों के फैक्टर जब एफ वन में साथ में आए रहे, इसने इसके ऊपर प्रभाव भी डाला, लेकिन जब इसको मौका मिला एफ टू पी डी में अपना लक्षण बताने का, तो उसने अपना खुद का लक्षण बताया, कैपिटल टी का थोड़ा उधार लेके नहीं बताया, भाई इसकी हाइट 3 फीट, इसकी हाइट 6 फीट, उसका पार्टनर 6 फीट का है, तो 6 फीट का पार्टनर उसको थोड़ा अपनी हाइट दे रहा क्या? जब ये पांडुरंग और परिहार एक जगह पे आके बैठे, उनकी खुर्चियां क्रोमोसोम है और वो दो उसके ऊपर के फैक्टर्स है, भाई परिहार 6 फीट, पांडुरंग सपोज 5 फीट, तो हाइट दिख रही तो परिहार की, भाई अभी तो दिख रही है परिहार की क्योंकि वो 6 फीट का है, लेकिन जब पीरियड खत्म होने के बाद दे विल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, विल परिहार गिव हिज हाफ फीट ऑफ हाइट 6 इंच टू मिस्टर पांडुरंग, और मिस्टर पांडुरंग की स्मॉल फीट की कुछ असर इसके ऊपर पड़ा और इसकी हाइट कम हुई, जाते समय परिहार 5 फीट का होके गया और पांडुरंग 5.5 फीट का बना, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं होता है, ये तो कतई पॉसिबल नहीं है, ये तो फिजिकल एक्सचेंज बताया मैंने,
लेकिन जीन्स के लिए भी नहीं होता है। हाइट क्या देने की चीज़ है क्या? हाइट क्या, वो क्या ब्लड है क्या? दे बात वाटी पर रक्त, ठीक है, दही है का जो पड़ोस वाले एक दूसरे को मांगते है कि नहीं? वाट जर आजच्या दिवस वाटी पर रक्त दे उदार, उसने उद्या दीड वाटी परत करतो, ऐसा कुछ होता नहीं है, लक्ष्य कर दे। एक्चुअली हाँ भाट, ये दो फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स टॉल डॉर्फ कहाँ एक जगह पे आए? F1 में, किधर? F1 में, F1 में एक ने दूसरे के ऊपर डोमिनेंसी का असर डाला, लेकिन सिर्फ उस पीढ़ी में। जब अगली पीढ़ी में सेल्फिंग हुआ F1 का और F2 बना और स्मॉल टी को मौका मिला अपना गुण बताने का, मौका कब मिलता? जब उसके जैसा पार्टनर उसके साथ में आता। F1 में तो कोई चांस ही नहीं था क्योंकि स्मॉल टी का पार्टनर जिधर देखो उधर कैपिटल टीच था। जब उसका पार्टनर स्मॉल टी बना तो उसने खुद को एक्सप्रेस किया, सही बात है निधि? अब निधि बात नहीं करती, शी साइलेंट, और प्रज्ञा इज वायलेंट, बहुत बात करती सपोज। तो भाई प्रज्ञा के साथ में निधि बैठी तो प्रज्ञा ही बात करेगी, निधि तो शांत बैठी, ठीक है। लेकिन जब निधि जैसी पार्टनर उसको मिलेगी, ठीक है ना, सपोज क्षमा, अच्छा साक्षी, और साक्षी और निधि अगर शांत शांत बैठ गए तो शायद ये बात करने लगे, क्योंकि साक्षी भी सबसे कम बात करती है। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज सेग्रीगेशन। क्या बोलेंगे इसको? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट होना बोले तो सेपरेट होना। कौन सेपरेट होना? फैक्टर्स रे, जीन्स, फैक्टर्स, अलील्स, एक दूसरे से। ऐसा कब होता? जब वो पेरेंट या हाइब्रिड क्या बनाता? गैमेट्स बनाता। सेग्रीगेशन कब होता? एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। बोलो, व्हेन देयर इज अ सेग्रीगेशन, क्षमा, गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या होता? ये आज हमें नॉलेज है कि गैमेट फॉर्मेशन के पहले मियोसिस होता, मियोसिस के N1 में दोनों फैक्टर एक दूसरे से अलग होते, ये आज हमें नॉलेज है, पहले तो था ही नहीं, मेंडल को तो कतई ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जो सेग्रीगेशन के बारे में बोला, निखिल भैया, वो बहुत ही परफेक्ट बोला, वो तब भी सत्य था, आज भी सत्य है, कल भी सत्य रहेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ मियोसिस, ओके। इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों बोलते? क्योंकि हर गैमेट रिसीव ए सिंगल फैक्टर फ्रॉम ए पेयर एंड दैट गैमेट इज प्योर फॉर दैट पर्टिकुलर फैक्टर एंड कैरेक्टर। वो गैमेट उस फैक्टर उस कैरेक्टर के लिए कैसा है? प्योर है। ये तो हुई बात लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, सबको समझा? जिसको नहीं समझा हाथ ऊपर करो। सेग्रीगेशन होना बोले तो सेपरेशन होना। किसका सेपरेशन? फैक्टर्स का, फैक्टर्स का सेपरेशन या जीन्स का सेपरेशन। कौन से फैक्टर्स? डिसिमिलर फैक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग लक्षण उनके फैक्टर्स। वो कहाँ पर एक जगह पे है? हाइब्रिड में, F1 में, हाइब्रिड में। और जब सेपरेट हो रहे तो कौन सी प्रोसेस में? गैमेटोजेनेसिस। सेपरेट कब होते? जब हाइब्रिड क्या बनाता? क्या बनाता हाइब्रिड? बोलो ना भाई, जब हाइब्रिड क्या बनाता? गैमेट्स बनाता। तो दोनों क्या होते? अलग होते। दोनों एक ही गैमेट में जाते कि दो अलग गैमेट में जाते? इसलिए वो गैमेट उस फैक्टर के लिए कैसा रहता? प्योर। इसलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और में क्या बोलते? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। क्या बोलते? इसमें एक चीज आपको डिस्कशन में समझ में आई होगी कि मेंडेल ने डोमिनेंट कंप्लीट डोमिनेंसी का पुरस्कार किया क्योंकि पी प्लांट में उसको कंप्लीट डोमिनेंस ही दिखा। कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब 7 बार उसने प्रूव किया एक बार में, तो उसकी क्या गलती थी साक्षी? बरोबर है, उसने तो सही बोला ना कि टॉल एंड डॉर्फ को मैंने क्रॉस किया तो पहली पीढ़ी में टॉल मिला,
येलो सीड कलर एंड ग्रीन सीड कलर वाले दो पी प्लांट को क्रॉस किया तो पहली पीढ़ी में येलो सीड वाले पी प्लांट मिले, वायलेट एंड व्हाइट को क्रॉस किया तो पहली पीढ़ी में सारे फ्लावर कलर वायलेट मिले, कलर्ड मिले। उसकी क्या गलती थी? अगर उसमें अगर मिक्सिंग हुआ होता, ब्लेंडिंग हुआ होता, तो वो बोलता था कि देर इज इनकम्प्लीट डोमिनंस। इनकम्प्लीट डोमिनंस भी एग्जिस्ट करता है। इनकम्प्लीट डोमिनंस का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो रे। दो कैरेक्टर, दो अलग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट्स या किसी दो इंडिविजुअल को सेक्सुअली हम क्रॉस करते हैं तो दोनों लक्षण मिलके तीसरा लक्षण अगर बनाते हैं, जब दोनों से एक तीसरा ही कुछ तो कॉम्बिनेशन बनता है, मतलब उनके एंजाइम्स बदल जाते हैं जब वो आपस में साथ में आते हैं, तो आज की आधुनिक फिजियोलॉजी की भाषा में हम ऐसा बोल सकते हैं कि उनके एंजाइम्स मॉडिफाई हुए, प्योर फॉर्म में अलग, हाइब्रिड फॉर्म में अलग, और वो तीसरा लक्षण बताने लगा इंडिविजुअल। मिक्सिंग ऑफ द टू प्योर प्रोड्यूस थर्ड कैरेक्टर, इट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नॉट फर्स्ट नॉट सेकंड बट थर्ड, बीच का रास्ता। रेड को व्हाइट के साथ मिक्स किया तो पहली पीढ़ी पिंक मिली, पिंक, रेड प्लस व्हाइट इज इक्वल टू पिंक, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो देख रहे पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स है, वन जीन में ही है। व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? पहली चीज, इट इज पोस्ट मेंडेलियन स्टेटमेंट, ये पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी है। व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? ओके, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन ऑफ अलील्स इनटू ब्रैकेट फैक्टर्स ओके, ए न्यू कॉम्बिनेशन इज सीन, ए न्यू कॉम्बिनेशन इज सीन, देर इज ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, माने मिक्सिंग। फॉर एग्जाम्पल, स्नैप ड्रैगन माने एंटी रीनम स्पीसीज, एंटी रीनम या स्नैप ड्रैगन नाम का जो प्लांट है, स्नैप ड्रैगन प्लांट से नाम है, इसकी दो वैरायटीज है, टू वैरायटीज, टू स्पीसीज, ओके, टू स्ट्रेन्स, दैट इज रेड एंड व्हाइट। सपोज हम इनको क्रॉस करते हैं, रेड इज कैपिटल आर एंड व्हाइट इज इक्वल टू स्मॉल आर स्मॉल आर। सपोज हम इसको क्रॉस करते हैं, रेड स्नैप ड्रैगन कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, व्हाइट स्नैप ड्रैगन स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, इसके बनाओ गैमेट्स, गैमेट, इसका गैमेट बनेगा कैपिटल आर, इसका गैमेट बनेगा स्मॉल आर, ओके, और ये रहा हाइब्रिडाइजेशन।
क्या ये हाइब्रिडाइजेशन, एफ वन पीडी बनेगी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब मेंडेल मेंडेल ने तो बोला था दो में से एक फैक्टर दिखेगा, दो में से एक पेरेंट का लक्षण दिखेगा, लेकिन स्नैपड्रैगन के मामले में दोनों पेरेंट का लक्षण नहीं दिख रहा, बल्कि मिक्स होके एक थर्ड कैरेक्टर पैदा हो रहा, दैट इज पिंक। अब पिंक वाला कोई पेरेंट है क्या? नोबडी इज देयर, नोबडी इज देयर। इज देयर एनीबडी? नोबडी इज देयर, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई है, कोई नहीं है। दिस इज इक्वल टू पिंक स्नैपड्रैगन एफ वन। अब इसको हम सेल्फ करेंगे, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडेल ने करा था उसके सात लक्षणों में, हर एक में दो वैरायटीज, हर एक में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेके उसने क्रॉस करा, हर एक कैरेक्टर में दो पी प्लांट उनको पकड़ के क्रॉस करा और एफ टू तक खींचा उसने। एफ टू में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 मिला, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 मिला, रेसिव कैरेक्टर एफ वन से गायब है, एफ टू में दिखाई दिया, रेसिव पेरेंट का लक्षण एफ वन में दिखता क्या? नहीं। किस में दिख रहा? एफ टू में। तो उसने क्या करा, इसको भी सेल्फ किया, पहले इसके गैमेट्स बनाओ, दिस इज ऑल पिंक, ये ब्लेंडेड कैरेक्टर है, रेड एंड वाइट इज इक्वल टू पिंक, ये ब्लेंडेड कैरेक्टर है। तो इसका जब हम गैमेट्स बनाएंगे तो इसके गैमेट बनेंगे कितने बोलो? हाँ यू टेल, गैमेट कितनी बनती है? मत बोलो का, गैमेट कितनी बनती है? दो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कितनी गैमेट झाले है? दो। मोनोहाइब्रिड का डायहाइब्रिड, ये मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड, गैमेट हाइब्रिड नहीं रहता, गैमेट्स हाइब्रिड नहीं रहते, हाइब्रिड के गैमेट रहते, गैमेट हाइब्रिड नहीं रहते। निधि सही है, गुड। अब इसको करेंगे सेल्फ, सेल्फिंग ऑफ एफ वन। ऋतुजा सेल्फिंग कैसे करते? फॉर्मेशन ऑफ एफ टू, एफ टू बनेगा, लेकिन कैसे एफ वन को सेल्फ कैसे करते भैया? एफ वन के मेल गैमेट, एफ वन के फीमेल गैमेट। ये कौन से गैमेट है? ये मेल भी है, फीमेल भी, उसी प्लांट के है ना, त्याच झाडावर कॅपिटल आर स्मॉल आर तयार झालेत मेल सेक्स अँड्रोशियममध्ये, त्याच झाडावर असे दोन तयार झालेत फीमेल सेक्स गॅनोशियममध्ये। इसको हम प्युनेट स्क्वेअर चेकर बोर्ड में डालते हैं, ठीक है? तेजस्विनी कॅपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, हाँ दोन्ही मिक्स झालं ना, दोन्ही एक साथ नाही, नाही 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 नाही, ये ब्लेंडिंग है, नाही नाही नाही, दिस नॉट द मल्टीपल अलील्स, अलील तो दो ही है, लेकिन जब ये दो कॉन्ट्रास्ट वाले अलील्स एक जगह पे आ रहे तो दोनों के एंजाइम्स बदल रहे, जीन के एंजाइम जो है अपना असर अलग बता रहे, हम बताएंगे वो कैसे होता है, डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, आई विल टेल। तो भैया ये होगा कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, ये होगा कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये होगा कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, और ये होगा स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। हे काय झालं त्यांची? जीनोटाइप। अब बोलो फिनोटाइप, व्हाट इज दिस? रेड, पिंक, पिंक, एंड व्हाइट। ओके, कैन यू गेट मी? आता याची फिनोटिपिक रेशियो सांगा, अरे सांग, ज्याला विचारलं त्यांना सांगा फिनोटिपिक रेशो, रेड किती,
मग वन पासून सांगा ना, टू पासून कसं सुरू करायले? हां मग ते सांगा, वन इज टू, टू इज टू, वन, हे काय झालं? फिनोटिपिक रेशो. आता जिनोटिपिक रेशो, बघून सांगा. अरे वन इज टू, टू इज टू, वन, वन इज टू, टू इज टू, वन. अलग नाही, अलग नाही. मग मेंडेलच्या मोनोहायब्रिड क्रॉसमध्ये आणि पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्सचं जे इनकम्प्लीट डॉमिनन्सचं आपण उदाहरण घेतलं स्नॅपड्रॅगन, त्याच्यामध्ये उसमें एक हमने मोनोहायब्रिड क्रॉस किया, तो दोनों में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? दोनों में फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि एफ टू पी डी में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों रेशोज बदल गए. मतलब एक रेशो तो ठीक है, जीनोटिपिक रेशो वन इज टू, टू इज टू, वन रहा, लेकिन फिनोटिपिक रेशो जो उधर थ्री इज टू वन था वो यहाँ पे बन गया वन इज टू, टू इज टू, वन. क्या बनाओ? वन इज टू, टू इज टू, वन. क्या बोल रहे? बोलो. नहीं समझे? हेलो. इनकम्प्लीट डोमिनेंस. एग्जाम्पल इज स्नैप ड्रैगन, जिसको बोलते एंटी रीनम स्पीसीज. इस प्लांट में दो वराइटीज है, दो जातियां हैं. वन इज विथ रेड फ्लावर, सेकेंड इज विथ व्हाइट फ्लावर. वेन यू क्रॉस द रेड फ्लावर्ड स्नैप ड्रैगन विथ व्हाइट फ्लावर्ड स्नैप ड्रैगन, दिस इज सिंपली अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हम एक लक्षण पर फोकस कर रहे. इट इज द फ्लावर कलर. कौन सा लक्षण लिया हमने? फ्लावर कलर. कितने वैरायटी फ्लावर कलर में? दो, रेड एंड वाइट, रेड एंड वाइट. एफ वन कैसी है? पिंक. यहीं पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाई पड़ता है. फिर हम इस पिंक को, जो डेफिनेटली हाइब्रिड है, जो मोनो हाइब्रिड है, जो इम्प्योर है, हेट्रोजाइगस फॉर फ्लावर कलर है, इसको हमने सेल्फ किया. सेल्फ करते समय मेल और फीमेल सेक्स उसी प्लांट का रहता है, तो हमें मिली एफ टू पी डी. एफ टू पी डी में हमको रेशो जो है सत्यवान, वो फिनोटिपिक मिल रहा है वन इज टू, टू इज टू, वन, और जीनोटिपिक मिल रहा है वन इज टू, टू इज टू, वन. ये सीधा सीधा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशो है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस उदाहरण स्नैपड्रैगन या एंटी रीनम. अब हम इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस के फिजियोलॉजी की चर्चा अगर करते हैं, फिजियोलॉजी कि ऐसा हो रहा क्यों, कि जब कैपिटल आर साथ में आ रहा तो रेड दिख रहा है, जब कैपिटल आर इस फैक्टर के बगल में स्मॉल आर वाला फैक्टर आ रहा है तो हो रहा क्या है? ये जीन इसका पार्टनर कैपिटल आर अगर है तो एक एंजाइम और प्रोटीन, एक एंजाइम, एक पर्टिकुलर एंजाइम बना रहा. कोई भी लक्षण एंजाइम से दिखता है. तो जीन जो होता है, फैक्टर जो होता है, वो एंजाइम बनवा के लेता है, प्रोटीन बनवाता, उससे एंजाइम बनता. जब ऐसा कॉम्बिनेशन है तो इनका एक एंजाइम बन रहा है, लेकिन जब इसका पार्टनर, इसका होमोलॉगस पार्टनर, इसका जो अलील है वो स्मॉल आर है, ये कॉम्बिनेशन में कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों के एंजाइम्स बदले बदले नजर आएंगे. मेंडेल के समय क्या हुआ कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसमें इसने एंजाइम बनाया, इसको बनाने नहीं दिया, इसने बनाया नहीं, या फिर बनाया तो कमजोर बनाया. तीन में से एक पॉसिबिलिटी है, या तो दो में से एक पॉसिबिलिटी, सॉरी. कैपिटल टी के बगल में जब स्मॉल टी आ रहा, या तो स्मॉल टी अपना एंजाइम प्रोटीन बना रहा नहीं, ये बना रहा अपना लक्षण बाहर बता रहा, नहीं तो इसने प्रोटीन इसके बगल में, इसने तो अपना बनाया, जिसका प्रोटीन तो है ही, स्ट्रांग प्रोटीन है, स्ट्रांग एंजाइम है, इसने भी बनाया, लेकिन इसके मुकाबले इसका वीक रहा. जैसे बोला ना मैंने, बातूनी एक लेडी है, बातूनी मतलब बहुत बात करने वाली, ओके ना, या झगड़ालू, झगड़ालू बोले तो कस के झगड़ा करने वाली, तो उसके बगल में अगर शांत वाली है तो शांत वाली क्या करती? तू ही बड़ी बाबा, तू ही झगड़ा कर, मैं तो तेरे तपट पट 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 बोल भी नहीं सकती,
ओके, तो झगड़ालू वाले क्या होगी, यहाँ पे जीत जाएगी, और जो शांत वाली जो है वो हार जाएगी। लेकिन जब शांत वाली उसके घर में जाके, शांत हस्बैंड, दोनों शांत है, तो ये झगड़ा कर सकती है। लेकिन जो जी भांडखोर है, तिच्या बाजूला भांडखोर भांडू शकते का? कभी नहीं। शी विल एक्सेप्ट, भाई मैं हार गई, तू जीत गई, ओके। वही ये जो लक्षण बाहर दिख रहा ना, असल में वो एंजाइम है, झगड़े का भी एंजाइम होता है, झगड़े के लिए भी हार्मोन लगते हैं, ये आप समझ जाएंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन में। डोपामाइन हार्मोन लगता है झगड़े के लिए, उसको 3F हार्मोन बोलते हैं, है कि नहीं? स्टेरॉइड हार्मोन, एड्रेनालिन, माने डोपामाइन। ये जो डोपामाइन है ना, हाँ, इसको बनवाने के लिए भी कुछ एंजाइम लगते हैं, उसके लिए जीन्स होते हैं। तो देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, कि व्हेन एक फैक्टर दूसरे पे डोमिनेंट है, तो दूसरा वाला जो रेसेसिव है, शायद अपना एंजाइम बना रहा नहीं, बनाया तो कमज़ोर बनाया। लेकिन जब हम बोल रहे कि दोनों फैक्टर एक साथ दिखाई दे रहे, मिक्स होके, सॉरी एक साथ बोले तो मिक्स होके दिखाई दे रहे, तो ये मामला कैसा है? ये मामला ऐसा है कि दोनों ने तो एंजाइम बनाया, लेकिन दोनों के एंजाइम बदले बदले, कैपिटल आर के बगल में स्मॉल आर आला, तो दोनों के एंजाइम बदले बदले से है, और इसलिए थर्ड लक्षण दिखाई दे रहा है। नॉट रेड नॉट व्हाइट इज इक्वल टू थर्ड पिंक, लाल भी नहीं और व्हाइट भी नहीं, बल्कि पिंक, ना तो लाल है ना तो व्हाइट है, बल्कि पिंक लक्षण अगर दिखाई दे रहा तो समझ लेना कि एंजाइम बदल चुका है। मामला समझ गए? ये रहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन एंटीरिनम या स्नैपड्रैगन। अब एक और मैं बताता, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स है, और अब जो बताने जा रहा वो भी पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स है। नाउ द थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इज ऑल्सो पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स, इट इज इक्वल टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ध्यान से सुनो, सॉरी कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस। मेंडेल ने कौन सा डोमिनेंस बोला भाई? कंप्लीट डोमिनेंस। वही इज कंप्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस तीन प्रकार सा है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, को। कितने प्रकार के डोमिनेंस है? कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। मेंडेल ने कौन से डोमिनेंस को बताया, कौन से डोमिनेंस को बताया? कंप्लीट को बताया। निग्रो मैरिड विथ द सपोज ग्रूम, ग्रूम फ्रॉम इंग्लैंड, ब्राइड फ्रॉम केनिया, ग्रूम कहाँ का है? माने देव, नवर देव, कुडला है इंग्लैंड, जेंटलमैन, और ब्राइड कहाँ की है? वधू, 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 केनिया, केनिया, नाइजीरिया, युगांडा, है ना? केनिया की कौन है? ब्राइड है, और ग्रूम कहाँ का है? इंग्लैंड का है। इट इज बेटर वे कॉल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये एक प्रकार का मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोल सकते हैं आप, क्योंकि देर इज द डिफरेंस। एक्चुअली इनमें अगर हम क्रॉस करवाते हैं प्योर ब्लैक एंड प्योर व्हाइट, तो जो अगली पीढ़ी बनेगी वो म्यूलैटो बनती है, म्यूलैटो माने सांवली। वैसे देखा जाए तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऐसा है, ये इज इक्वल टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ना तो इंग्लैंड पे ना तो केनिया पे, दोनों के बीच के कलर पे आके बच्चे अटक जाते हैं, जैसे कि मसाबा बनी, मसोबा नहीं, मसाबा, क्या बनी? मसाबा, सांवली।
ओके तो कोडोमिनेंस ऐसा नहीं है. मला सांगा इनकम्प्लीट डॉमिनन्स मध्ये दोन पैकी एक दिसते आणि एक लपते की दोन्ही मिक्स होऊन तिसरं दिसते. याला ब्लेंडिंग म्हणू शकता की नाही? इसको ब्लेंडिंग बोल सकते की नाही? बोल सकते. मला सांगा कंप्लीट डॉमिनन्स मध्ये ब्लेंडिंग व्हायली का? तसंच कोडॉमिनन्स मध्ये सुद्धा ब्लेंडिंग होत नाही, बल्कि दोनों लक्षण एक साथ दिखते बिना मिक्स हुए. बहुत एग्जांपल, दोनों लक्षण दिखते एक साथ बिना ब्लेंड हुए, बिना मिक्स हुए. ध्यान से देखो और समझ करने की कोशिश करो. हेलो, कोडोमिनेंस. इट इज ऑल्सो पोस्ट मेंडेलियन. ओके, व्हेन टू पेरेंट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कॉन्ट्रास्टिंग बोले तो अपोजिट कैरेक्टर्स से अलग अलग कैरेक्टर्स, जैसे टॉल डॉर्फ, रेड व्हाइट, वायलेट व्हाइट, येलो ग्रीन, इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड शेप, ये कॉन्ट्रास्टिंग है. व्हेन टू पेरेंट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड, देन F1 इज प्रोड्यूस्ड विथ बोथ कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स विथ बोथ कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स अपीयरिंग विथ बोथ कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स. F1 इज प्रोड्यूस्ड विथ बोथ कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स. आई विल टेल. मी एक उदाहरण पुस्तकाच्या बाहेरचं देतो, एक बुकच्या मधलं देतो. आधी बुकच्या मधलं देतो. बुकच्या मधलं एक्झाम्पल आहे ब्लड ग्रुप ऑफ मॅन. फॉर एक्झाम्पल ABO ब्लड ग्रुप. ॲक्च्युली ABO ब्लड ग्रुपमध्ये को डॉमिनन्स आणि कम्प्लीट डॉमिनन्स दोन्ही दिसतात. को भी दिखता और कम्प्लीट भी दिखता. पहिले मी को बताता. ब्लड ग्रुप ऑफ मॅन, ब्लड ग्रुप इन मॅन, ABO ब्लड ग्रुप इन मॅन. देखो ब्लड ग्रुप जो है हमारे पास, उसके लिए जीन है I. तो एक IA, IB एंड स्मॉल I, ऐसे तीन जीन हमें दिखाई पड़ते हैं. ये मल्टीपल अलील्स है, तीन अलग अलग अलील्स. ये मल्टीपल अलील फॉर वन कैरेक्टर ब्लड ग्रुप. जब IA इधर लिखता IA एंड IA माताजी, IB पिताजी, इसका गैमेट पड़ेगा एक क्या IA और इसका गैमेट पड़ेगा एक IB. अगर हम इसको एक जगह पे लाते हैं तो बनता है IA एंड IB इट इज इक्वल टू ब्लड ग्रुप AB. इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB. इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप ए. इसका ब्लड ग्रुप, सॉरी, ब्लड ग्रुप बी. इट इज ब्लड ग्रुप ए. ए का मतलब ये दो आय होते हैं कभी भी. जब ए और बी ब्लड ग्रुप एक जगह पे आता बच्चे में तो उसका ब्लड ग्रुप बनता AB. यहाँ ब्लड ग्रुप सी बन रहा है क्या? नहीं बन रहा. मिक्स हो रहा है क्या? ब्लेंडिंग हो रही क्या? नहीं हो रही. वेदर इट इज गोइंग टू ब्लेंड, नॉट. बल्कि अपना अपना लक्षण बरकरार रह रहा अगली पीढ़ी में और दोनों एक साथ दिखाई दे रहे. मेंडेल को अगर पूछा होता तो बोलता था या तो ए दिखेगा नहीं तो बी दिखेगा. लेकिन जब यही ब्लड ग्रुप हम ओ के साथ लाते हैं, स्मॉल आई बोले तो ओ, जैसे कि IA स्मॉल आई, IB स्मॉल आई,
इज इक्वल टू ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी. अगर आई को स्मॉल आई को दिखाई देना है तो स्मॉल आई इज इक्वल टू स्मॉल आई माने ब्लड ग्रुप ओ. लेकिन जब आई ए आई बी ऐसा आ रहा है तो ब्लड ग्रुप ए बी है. जीन्स एंड ब्लड ग्रुप. बोलो वो हेटरोजाइगस है, प्योर नहीं है. देखो पेरेंट्स प्योर ए और प्योर बी के हैं तो बच्चे ए बी के रहेंगे, लेकिन पेरेंट्स हेटरोजाइगस है. फॉर एग्जांपल दिस इज आल्सो ब्लड ग्रुप ए, दिस इज आल्सो ब्लड ग्रुप बी. बरोबर, तो इसके बनेंगे दो गैमेट, इसके बनेंगे दो गैमेट. आई ए स्मॉल आई निखिल भो, पांचवी बार है ये तो बस यू तो भारतीय बैठक की. तो आई बी स्मॉल आई. अब देखो ये रहेगा ए बी, ये रहेगा आई ए मतलब ब्लड ग्रुप ए. कल अतः ये रहेगा ब्लड ग्रुप बी और ये रहेगा ब्लड ग्रुप ओ. चार प्रोबेबिलिटी है, चार शक्यता है. तो हमारा अगर बी है, क्या है आपका, तो ये कॉम्बिनेशन है. यस नहीं नहीं आई ए आई बी तो बी दिखेगा. देखो ना यहाँ पे ओ यायचा असेल तर दोन्ही स्मॉल आय यावं लागतात, हा ना. अब ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह जो है वो आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम से आते. आर एच हमारे पास दो स्ट्रीम चलते हैं, ए बी ओ और आर एच. अब ए बी ओ ब्लड ग्रुप के लिए अगर हम बोल रहे कि ब्लड ग्रुप ए है, ध्यान से सुनो रे, आई एम टेलिंग ब्लड ग्रुप ए, इसका मतलब ये होता है कि ब्लड ग्रुप जो है वो आर बी सी के सरफेस की शुगर से डिसाइड करती है. सरफेस शुगर ऑफ आरबीसी, आरबीसी ब्लड ग्रुप डिसाइड करते, एवढं लक्षात ठेवा. एक एबीओ सिस्टम और एक आरएच सिस्टम. एबीओच्या अनुसार ए बी ए बी आणि ओ असतं, आरएचच्या अनुसार फक्त दोन आहेत, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. मग हे दोन्ही मिक्स करतो आपण, ए पॉझिटिव्ह बी पॉझिटिव्ह, ए निगेटिव्ह बी निगेटिव्ह, ए बी पॉझिटिव्ह ए बी निगेटिव्ह, ओ पॉझिटिव्ह ओ निगेटिव्ह. तो ये एबीओ सिस्टम क्या करता है कि आरबीसी के सरफेस पर, ये आरबीसी है, एक शुगर बनता है. ये एबीओ ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है. अगर मैं बोल रहा ए ब्लड ग्रुप तो ये शुगर ए के लिए बनी है, स्पेशल ए की शुगर है. अगर मैं बोल रहा ए बी तो शुगर दो शुगर कोट है ऑन आरबीसी, फॉर ए एंड फॉर बी. लेकिन जब मैं बोल रहा ओ, देर इज नो शुगर ऑन आरबीसी. ओ ब्लड ग्रुप जब बोल रहा तो उसके लिए शुगर नहीं बनती है. इसके लिए ये अभी अभी जो बताया मैंने वो ये इसकी फिगर है, ए बी, ए की शुगर है बी की शुगर है. इसमें ओके एक शुगर है ए की, ओ की शुगर नहीं है, आई स्मॉल आई बोले तो ओ. इसमें बी की शुगर है, बी के लिए शुगर बनी है आरबीसी के सरफेस पे, ओ के लिए नहीं बनी. तो ये बनेगी ब्लड ग्रुप ए, ये बनेगा ब्लड ग्रुप बी, ये बनेगा ब्लड ग्रुप ए बी. और जब मैं बोल रहा ओ, इसका मतलब आरबीसी पे देर इज नो शुगर, देर इज अ स्पेशल शुगर ऑन आरबीसी फॉर ए बी ओ ब्लड ग्रुप. तो ये दो बताते कंप्लीट डोमिनेंस, लेकिन ये बता रहा को डोमिनेंस. बता रहा कि नहीं बता रहा, आप खुद देखे मेरे को बोलो, सिर्फ देखो मत. को का मतलब क्या होता है कि दोनों फैक्टर्स दोनों अलील्स एक साथ दिखना इंडिविजुअल में,
दोनों फैक्टर एक साथ दिखना, हाँ सेपरेट बट एक साथ, अनचेंज्ड विदाउट ब्लेंडिंग। देखो कंप्लीट डोमिनेंस में दो में से एक ही दिख रहा है, एक छिप रहा है, यहाँ दोनों के एंजाइम्स दिखाई पड़ रहे हैं। एक का एंजाइम भी एग्जिबिट हुआ इन द फॉर्म ऑफ शुगर, बी का एंजाइम भी एग्जिबिट हुआ इन द फॉर्म ऑफ शुगर, दोनों के एंजाइम एक साथ एग्जिबिट हुए, अपीयर हुए इन द फॉर्म ऑफ शुगर, दैट इज इक्वल टू कोडोमिनेंस। बोलो, मैं एक और उदाहरण बोलता हूँ, ये तो हुआ, हाँ बोलो। स्मॉल आई माने ब्लड ग्रुप ओ, इसका एंटीजन नहीं रहता है, कौन तो ये ना कंप्लीट है ना इनकम्प्लीट है, होमोजाइगस में कंप्लीट डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहाँ से लाते, जब दोनों फैक्टर सेम रहते तो कंप्लीट इनकम्प्लीट को कुछ नहीं बोलते, इसको क्या बोलते, दोनों तो सेम है, जब अलग अलग है तो मिक्सिंग हो रही कि एक दिख रहा है एक छिपरा, कि दोनों एक साथ दिख रहे ऐसा बोलेंगे, इसमें थोड़ी बोलते, क्वेश्चन ही गलत है। हाँ ओके, कोडोमिनेंस में दोनों फैक्टर्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के एक साथ दिखाई देते हैं। यहां जो हमारा ब्लड ग्रुप है दो प्रकार के, एबीओ एंड आरएच, एबीओ ब्लड ग्रुप में आरबीसी के सरफेस पे शुगर्स बनते हैं, ए के लिए शुगर है, बी के लिए शुगर है, ओ के लिए शुगर नहीं है। जब किसी का ब्लड ग्रुप हम बोल रहे ए बी है, इसका मतलब आरबीसी पे दो दो शुगर्स प्रेजेंट है, कल इसका रीडिंग भी साथ में लेंगे। ये आरबीसी है, इसके ऊपर एक शुगर कोट चढ़ा ए का और दूसरा शुगर कोट चढ़ा बी का, तो दोनों शुगर कोट अगर आरबीसी पे है, दोनों दिखाई दे रहे ना, मेंडेल के हिसाब से तो क्या चाहिए था एक, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हिसाब से क्या चाहिए था, दोनों मिक्स होके तीसरा बनना, ना यहां एक ही दिखाई दे रहा, ना यहां तीसरा दिखाई दे रहा, बल्कि पहला और दूसरा साथ साथ दिखाई दे रहा, विदाउट मिक्सिंग, विदाउट ब्लेंडिंग, कोई ब्लेंडिंग नहीं है। को अच्छा, एक बेस्ट उदाहरण सांगतो तुम्हाला, पटलत हो मना, काऊ, ये उदाहरण भी कोडोमिनेंस का है। अब काऊ में कोट कलर होता है, मतलब बारीक बालों का रंग होता है, स्किन का कलर नहीं होता, उनका कोट का कलर होता है, घोड़े गाया ऊंट, भैंस का कलर स्किन का है, बाल का नहीं है, लेकिन कुत्ते का कलर जो है वो बाल का है, कोट कलर है वो, बिल्ली का कलर कोट कलर है, वैसे गाय का कलर कोट कलर है, रेड काऊ एंड व्हाइट काऊ क्रॉस, जो बछड़ा बनेगा वो लाल या सफेद, नहीं लाल प्लस सफेद, उसके ऊपर लाल बैकग्राउंड पे सफेद धब्बे या सफेद बैकग्राउंड पे लाल धब्बे, उत्ते संगत है ना, दोनों एक साथ दिख रहे, ये कोडोमिनेंस है, और इसको बोलते हैं रोआन कलर, नॉट रेड नॉट व्हाइट बट रोआन, रोहन नहीं रोआन, रोआन नॉट रोहन, प्रज्ञा रोआन, रोआन बोल दो, लाल पे सफेद नहीं तो सफेद पे लाल धब्बे, तांबड प्लस पांडर इज इक्वल टू ढवळ, प्लस तांबड इज इक्वल टू गवळ, जो रोहन बोलते ना मराठी में उसको बोलते गवळ, गवळ नहीं, तांबड प्लस ढवळ, ढवळ बोले तो पांडर, तांबड प्लस ढवळ इज इक्वल टू गवळ, वासरू कस गवळ, तुम्ही बघाच एकदा वासरू तसं, देखा कि नहीं देखा आपने, असे गवळे वासरा बघितले का नहीं, नहीं देखे, कभी गायों को देखो आसानी से दिख जाते हैं आपको ऐसे मिक्स, तो ये ब्लेंडिंग नहीं है, बोथ आर एग्जिबिटेड इक्वली, बोथ आर एग्जिबिटेड इक्वली, व्हाट इज दिस कॉल्ड,
कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का उदाहरण बोलो अपनी बुक में का ब्लड ग्रुप ऑफ मैन, कौन सी एबीओ ब्लड ग्रुप ऑफ मैन, एबीओ ब्लड ग्रुप ऑफ मैन, हाँ मदर प्योर ए फादर प्योर बी, माताजी प्योर ए पिताजी प्योर बी, नेताजी ए बी, नेताजी कैसे बनेंगे ए बी वाले, व्हाट इज दिस कॉल्ड कोडोमिनेंस, ओके।